तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल पति ने रात को पास में सो रही 8 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या करने का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया था। जब महिला काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आई तो घटना के बारे में पता चला। वहीं विवाहिता के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा दिया है। इसी दौरान थानाधिकारी मनोहर लाल ने बताया कि मृतक गुलशन 20 वर्षीय निवासी साइना विहार खो नागौरन के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना की शिकायत मृतिका के भाई फिरोज मोहम्मद ने दी है। शिकायत में बताया कि 21 फरवरी को गुलशन का निकाह अजहर पुत्र रहीमुद्दीन के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही अजहर और उसके माता पिता दहेज कम लाने की बात कहकर उनसे मानसिक प्रताड़ना देते थे। वहीं बताया जा रहा है कि घर से ससुराल के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है। रात को अजहर उसके कमरे में था और देर रात अजहर ने गुलशन के साथ इस हत्या वाली घटना को अंजाम दिया और घटना के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी सुबह के समय लगी थी। मौके पर पुलिस ने पहुंचने के बाद उसे मोर्चे में भिजवाया है, जहां से पीएम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। इधर शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अजहर को भी पकड़ लिया है, जिसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है और उसने इस हत्या वाली घटना को कबूल लिया है। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि दोनों में मनमुटाव चल रहा था। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी